हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, मैं तमाम अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को और अपने व्यूअर्स को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर से। एक नई वीडियो को लेके आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक को देख ही लिया है, आज का टॉपिक भी एस्ट्रोलॉजी की क्वालिटी के हवाले से जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, और एक तजर्बा जो मैंने ख़ुद से कंडक्ट किया। बेशक मुझे इस तजर्बे को कंडक्ट करने में और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि जहरी बात है तजर्बे की जो टाइम लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या तजर्बा किया। मैंने एस्ट्रोलॉब जो है वो 3 मुख्तलिफ जगह से लिया और उनको मैंने रेज़अप किया, बड़ा किया। इस वक्त उनकी एज तकरीबन 8 महीने और 25 दिन है, लेकिन क्योंकि मैंने 3 मुख्तलिफ जगहों से लिया था तो 3 मुख्तलिफ किस्म के ही मेरे पास एस्ट्रोलॉब बने, और उसी पे ही ये वीडियो आने वाली जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्वालिटी क्यों अहम है एस्ट्रोलॉब में, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो हेरिटेज है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी मैं एस्ट्रोलॉब पे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। और आइए वीडियो को स्टार्ट करने के, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स रेगुलर मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैं आपको अब पहला मेल दिखा रहा हूँ जो कि मैंने एक लाहौर से ही लिया, और वो कैसा बना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखने में तो ये एक इसकी ब्लैक है पूरी, उसके अंदर पूरी शाइन है, और टेल में भी आप देख लें पर्पलिश शाइन है जो कि एस्ट्रोलॉब की निशानी है। इसके जो लेग्स हैं वो भी ग्रे कलर में हैं, जिससे पता चलता है कि ये एस्ट्रोलॉब है, और बाकी भी ग्रे कलर है। लेकिन अगर आप देखें तो गर्दन पे इसके सारे ब्राउन बाल हैं। इसकी आँखें भी बिल्कुल एस्ट्रोलॉब जैसी हैं गर्दन पे, लेकिन ब्लैक और ब्राउन बाल देखने को नज़र आ रहे हैं। तो जिससे साबित होता है ये मिक्सिंग में, इसको हम प्योर एस्ट्रोलॉब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसको हम मिक्स एस्ट्रोलॉब ज़रूर कह सकते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉब का ब्लड है और ज़्यादा तादाद में डोमिनेंट है, लेकिन ये मिक्स ब्रीड ही कहलाएगा, ये प्योर एस्ट्रोलॉब नहीं कहलाएगा। तो ऐसा भी है कि लोग एस्ट्रोलॉब के नाम पर मिक्स ब्रीड बेच रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ, शाइन इसमें एस्ट्रोलॉब वाली है, लेकिन गर्दन के पास इसके कलर से पता चल जाता है कि ये एस्ट्रोलॉब नहीं है, ये एक मिक्स ब्रीड है। मैं आपको अब सेकंड मेल दिखाता हूँ जो कि सेम एज में है, और उसका कैसा रिज़ल्ट निकला। जी व्यूअर्स, मैं अब आपको एक सेकंड मेल दिखा रहा हूँ एस्ट्रोलॉब का, जो कि सेम एज में है, 8 महीने 25 दिन, लेकिन इसकी क्वालिटी आपके सामने आप देख सकते हैं। पर्पल शाइन है, फुल ब्लैक है, इसकी आँख भी जो है वो मैली सी होती है जैसे एस्ट्रोलॉब की होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके टांगे भी दिखा रहा हूँ जो कि ग्रे कलर में, जो कि एस्ट्रोलॉब की हैं। तो ये एक प्योर एस्ट्रोलॉब कह सकते हैं, लेकिन ये भी क्वालिटी में मेरे नज़दीक कमर्शियल है, लेकिन मेरे नज़दीक ये इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं है। और अमूमन इस क्वालिटी के जो बर्ड्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं, आपको शॉप्स पे इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक मॉडरेट क्वालिटी है कमर्शियल एस्ट्रोलॉब के अंदर। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसका फेस भी देख सकते हैं। ये कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है लेकिन टॉप ऑफ द क्वालिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं फुल ब्लैक है, शाइन भी आप देख सकते हैं, कहीं कहीं एक आध इसका बाल जो है वो थोड़ा सा ब्राउन है, बाकी ओवरऑल ब्लैक है, और बहुत खूबसूरत डोमिनेंट रूस्टर है। तो मैं इसके बाद आपको थर्ड मेल दिखाता हूँ जो मेरे पास सबसे अच्छी क्वालिटी में निकला, इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ बंधे रहिएगा। जी व्यूअर्स, मैं अब आपको जो है वो थर्ड और लास्ट मेल दिखा रहा हूँ जो कि क्वालिटी में मेरे पास सबसे अच्छा निकला। आप एक देख सकते हैं फुल ब्लैक है इस, अभी हालांकि ये कुरीज में है, लेकिन फिर भी आप इसकी क्वालिटी देखिए, फुल ब्लैक है। इसकी टांगें भी आप देख सकते हैं ग्रे है, इसकी आँख भी देखें फुल एस्ट्रोलॉब वाली है, मैली है, और इसमें कहीं भी
आपको ब्राउन बाल नज़र नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा मेल है, बहुत क्वालिटी में मेल है। और आप इसकी देखिए गर्दन भी, इसके ऊपर बाल कितने ज़्यादा हैं, थिकनेस है, बोन स्ट्रक्चर इसका थिक है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पहले दो दिखाए। हालांकि तीनों सेम एज में हैं, लेकिन हमें ये देखने को नज़र आया कि क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि एस्ट्रोलॉप होना चाहिए तो तीनों ब्रीड एक तरह की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से और अफसोस होता है कि लोग बल्क ब्रीडिंग की वजह से इस ब्रीड को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छी ब्रीड है, इस ब्रीड में बहुत पोटेंशियल है वेट गेन करने का, और बीमारियों की नस्बत मतलब कि अच्छी इम्यूनिटी होती है इनकी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो हैं इस ब्रीड को जो है वो तबाह कर रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, जब भी आप एस्ट्रोलॉप लें, चाहे आप कमर्शियल लें, चाहे आप हेरिटेज लें, लेकिन एक रिनोन ब्रीडर से लें। तो ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आप अगर कहीं से मेल ले रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रीड का ले रहे हैं, तो आप एक रिनोन ब्रीडर से लें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। और आपके पास जो भी चीज़ बने, मतलब कि चिक से लेके अडल्टहुड तक, जब तक वो मेल रोस्टर बनता है, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में बने और बताए कि मैं प्योरिटी में मौजूद हूँ। तो यही आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि बेशक कम चीज़ें रख लें, अच्छी रखें, क्वालिटी वाली रखें, मेयार वाली रखें। और उन भाइयों से भी गुजारिश है कि जो एस्ट्रोलॉप के नाम पे मिक्स चीज़ें बेच रहे हैं, उनको ऐसे कामों से अवॉइड करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।